गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जेएसएससी में पूछे गए कुछ मैथ्स के सवालों को हल करेंगे। तो बिना टाइम गंवाए हुए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ टू ऑफ अ गिवन नंबर। ये एक नंबर है, इसमें से प्लेस वैल्यू का डिफरेंस मांगा जा रहा है। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब स्थानीय मानों का अंतर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये जो टू है उसका स्थानीय मान का हम लोग देखते हैं, ये 2 लाख का पोजिशन पर है। ठीक है, तो आप इसको काउंट करके देखिएगा तो ये क्या है, 2 लाख के पोजिशन पर है। तो 2 लाख हो गया, और ये जो 2 है उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 2000 हो जाएगा। तो 2000 है, ठीक है, क्योंकि उसका प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो ये डिफरेंस क्या आ जाएगा, अगर ये डिफरेंस निकालते हैं तो 1,98,000 के इक्वल आ जाता है। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ से ये प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकल गया 1,98,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ नंबर व्हेन 9 डिवाइडेड डिवाइडेड लीव्स 8 एज अ रिमाइंडर। तो बोला जा रहा है कोई एक नंबर है, ले लेते हैं, अगर उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 आना चाहिए। और वही नंबर का अगर डबल ले लिया जाए तो उसका वो डबल अगर ले लेते हैं तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर उस केस में क्या बचेगा। तो हम लोग नंबर को सपोज कर लेते हैं, इसमें बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग कोई भी एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें से 8 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम नंबर क्या सपोज कर लेते हैं, 80 सपोज कर लेते हैं। सिंपल सा एक नंबर ले लिए, अगर हम लोग क्या करते हैं 80 को 9 से डिवाइड करते हैं, 80 को 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा क्या आएगा, 9 8 जा 72 हो जा रहा है। तो ये 72 अगर हो रहा है तो यहाँ से 8 मेरा रिमाइंडर मिल रहा है। तो यही नंबर का अगर हम लोग डबल सपोज कर लेते हैं, तो डबल अगर सपोज करते हैं तो यहाँ से मेरा नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 160 आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग 160 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड किया जाए तो ये 4 से 4 जा 16, यानी कि ये 16 और ये 0 बचा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 0 यूज़ कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0 बच जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखें। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 हैव यूनिट प्लेस डिजिट एज 3। यानी कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर पूछा जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं जिसका किसी प्रकार का फैक्टर पॉसिबल नहीं होता है, 1 और अपने आप छोड़ के कोई दूसरा फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो आपका क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या है, 1 और 100 के बीच में बाउंड्री बंधा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। 3 एक ले सकते हैं क्योंकि एक 3 प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो 3 तो यूनिट ऑटोमेटिक है ही, तो 3 के बाद डायरेक्ट हम लोग अगर पढ़ते हैं तो प्राइम नंबर लेंगे, तो 3 के बाद कौन सा ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं। ठीक है, 13 के बाद डायरेक्ट प्राइम नंबर का बात करेंगे तो 23 बात कर सकते हैं, 23 के बात करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 43 का ही बात करना होगा। ठीक है, अब 43 के बाद क्या होगा, 53 होगा। 63 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 73 प्राइम नंबर आ जा रहा है, 83 प्राइम नंबर जा रहा है, 93 प्राइम नंबर नहीं जा रहा है, 100 बाउंड्री बंधा हुआ है। कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, 7 प्राइम नंबर 100 और 1 के बीच में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 125 द क्वेश्चन इज 85 द रिमाइंडर इज 22 देन फाइंड द नंबर हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्या है, डिवाइडेड बाय 125, यानी कि ये डिवाइजर है, ये मेरा क्वेश्चन है और साथ में ये रिमाइंडर दिया है। तो हमको क्या मांगा जा रहा है, डिविडेंड मांगा जा रहा है। ठीक है, तो डिविडेंड का रिलेशन क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू हमको क्वेश्चन में यहाँ पे मांगा जा रहा है। और डिविडेंड निकालने का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर आपका कितना है, देखिए 125 है, क्वेश्चन कितना है आपका 85 है, ठीक है, और साथ में रिमाइंडर कितना है, 22 है। आप यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सो देखिए 125 5 जा क्या होगा, 625 आएगा, और 125 8 जा क्या होगा, 1000 हो जाएगा, 1000 और 62 तो यानी कि 106, ठीक है, 2 ये मेरा आ जाएगा। तो यहां से प्लस क्या कर देंगे, ये 22 कर देंगे, तो फाइनल जो सम करके आएगा वो आ जाएगा 10647 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल क्या होगा, डिविडेंड आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5
फाइव का क्या दिया हुआ है, सो देखें आपका सबसे पहले दिया हुआ है फाइव में कुछ चार ऑप्शन आपको दिया गया है, वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है चार ऑप्शन, उसमें से क्या होगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ 3, 7, 11, 15, 19। तो ये जो सीरीज को देख करके आपको दिमाग में कुछ इंडिकेट कर रहा होगा, जो कि एपी का सीरीज है, ठीक है, फोर फोर का डिफरेंस जा रहा है, अप टू क्या है 80 टर्म्स का सम निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे SN का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या क्या, पहले सबसे पहले यहाँ दिया है फर्स्ट टर्म जो है वो 3 के इक्वल दे दिया है, कॉमन डिफरेंस जो है वो आपको क्या है 4 के इक्वल दिया है, 3 से 7, 7 से 11, हर एक केस में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो 3 टू 7 व्हाट इज द डिफरेंस 4, ठीक है। और यहाँ से मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो दिया हुआ है वो 80 दे दिया है, क्योंकि हमको क्या करना अप टू 80 टर्म्स का सम चाहिए। हम लोगों के पास क्या SN निकालने का फॉर्मूला ऑटोमेटिक मालूम है, SN का क्या फॉर्मूला आता है n बाय 2, 2a प्लस क्या आता है n माइनस 1 इंटू d, ये AP निकालने का AP का फॉर्मूला है। तो यहाँ से n की जगह में आपको यूज करना है 80, तो 80 बाय 2 यूज कर लेंगे, 2a है, a की जगह मेरे पास दिया हुआ है 3, ठीक है, फिर क्या है n की जगह में 80 है, तो 80 माइनस 1 आएगा, और लास्ट में जाके क्या है डी, डी के जगह में क्या यूज़ करेंगे 4 यूज़ करेंगे, और इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, फाइनली जो आंसर आता है मेरा 80 का हाफ 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा 3 टू 6 आ जाएगा, और 79 इंटू क्या होगा 4 आएगा। हम इसको फाइनली अगर सॉल्व करते हैं तो ये तो A2 का टिक चुका है मेरा, ये 2 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है 40 मिल जा रहा है, ठीक है। और इधर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करके ऐड अगर कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 6 और इसका प्रोडक्ट क्या होगा 36, 22, 28, 31, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा फाइनली 40 × 322, तो ये कंफर्म है। लास्ट में क्या होगा 8 और 0 वाला आएगा, तो 8 और 0 वाला क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मैच कर रहा है ये वाला है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से फाइनल क्या होगा 128880, ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, 6 में क्या दिया गया है, तो 6 में जो है आपको यहाँ से दिया गया है क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू क्या है 2145 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो ये मेरा यहाँ से नंबर दे दिया गया है। तो हम लोग इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाहते हैं, परफेक्ट क्यूब निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2145 में जोड़ने पर पूर्ण घन बन जाएगी, यानी कि परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो सबसे पहले देखिए 2145 परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसमें कुछ छोटा से छोटा नंबर ऐड करना है ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो देखिए आप लोगों को कम से कम क्या होना चाहिए, 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, तो उसमें से क्या है 2145 परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या 10 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 1000 होता है, शॉर्टकट तरीका तो यही है जो कि आपको याद रख लेना होगा। 11 का क्यूब जो निकालते हैं तो ये आ जाता है 1331 आता है, और इसी तरह से हम लोग अगर 13 का क्यूब निकालते हैं तो 13 का क्यूब क्या आ जाएगा आपके पास, तो 2197 के इक्वल आता है, यहाँ पे 2145 दिया, जस्ट इससे छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका जस्ट जो अगला नंबर होगा वो क्या होना चाहिए था मेरा यहाँ पे 2197 ही आना चाहिए, इसका डिफरेंस कितना मिल रहा है 52। अगर हम लोग क्या कर देते हैं 2145 में 52 को ऐड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। रीजन पता चल गया आपको, 13 का क्यूब 2197 होता है और उसमें से यहाँ 2145 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से कुछ ऐड करके हमको क्या करना है परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो व्हाट शुड बी एडेड 52, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, बिना टाइम लैप्स किए हुए इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई क्या 6² / 36², तो बोडमास के रूल के अनुसार क्या है, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले डिवीजन कवर करते हैं, फिर डिवीजन कवर करने के बाद मल्टीप्लीकेशन में आएंगे। तो देखिए ये तो एक्स स्क्वायर आपको ऑटोमेटिक दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, उसको हमको क्या करना है 36 का स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये डिवाइड में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा एक 36 बच जाएगा आपका, ठीक है, और राइट पार्ट में आपको ऑटोमेटिक कितना दिया है 49 दिया है। अगर हम लोग इसको ले आते हैं इधर से तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा 36 आ जाएगा, तो ये 49 के बदले हम लोग लिख सकते थे क्या 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और 36 के बदले लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 7 × 6, जब पावर सेम रहता है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, इट मीन्स यहाँ से एक्स का फाइनल वैल्यू क्या होगा 42 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर रहा है 42, देखिए 42 3 है, और ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर भी क्या है 42 है, इसका मतलब क्या हुआ हम लोगों का जो एक्स का वैल्यू मिलेगा वो क्या आएगा 42 का इक्वल आएगा। चलते हैं
क्वेश्चन नंबर एट की ओर। क्वेश्चन नंबर एट क्या है, सो देखिए आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, 12%, 6%, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सुमित ने 25,000 में एक लैपटॉप खरीदकर उसके 26,500 रुपया में बेच दिया, ठीक है। 26,500 रुपया में बेच देता है तो उसके द्वारा अर्जित लाभ निकालना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपको निकालनी है यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये तो आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस है, ये आपको सेलिंग प्राइस दे दिया गया है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मालूम है, सेलिंग प्राइस मालूम है, तो प्रॉफिट हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये व्हाट इज द प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या है, 26,500, कॉस्ट प्राइस क्या है, 25,000 है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से डिफरेंस निकालते हैं तो 1,500 का क्या होता है, मेरा यहाँ से डिफरेंस आता है प्रॉफिट का। तो हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। प्रॉफिट परसेंट निकालने की फॉर्मूला आपको आता आना चाहिए, प्रॉफिट अपॉन क्या होता है, सीपी आ गया, ठीक है, इनटू क्या होता है, 100। हम लोग प्रॉफिट या लॉस जो भी निकालते हैं हमेशा क्या करते हैं, प्रॉफिट पर ही, कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं। प्रॉफिट आपका क्या है, 1,500, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 2,500, ओके, नहीं 2,000 है ना। तो ये हमको क्या प्राइस 25,000 था, और इंटू में क्या है, 100 है। सबसे पहले हम लोग ये 30 है, तो ये 20 और यहाँ से एक 0 कैंसिल कर लिए, तो मेरा आर है जो वहाँ यहाँ से 150 अपॉन क्या आ रहा है, 25। तो 25 के टेबल में क्या होता है, ये 6 टाइम्स में पूरा पूरा डिविजुअल है, इट मीन्स क्या है, 6% क्या है, इधर प्रॉफिट परसेंट। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 2 है, ओके। इसी तरह से क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन नंबर क्या था, 26% प्रॉफिट दिया हुआ भी आपका। अब यहाँ के बाद क्या है, हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखें आपको 4 में। तो 4 में दिया है कि यदि किसी पेन को 56 रुपया में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना में बेचना होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का है, और प्रॉफिट लॉस तो चैप्टर जो है आपके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भी। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 56 में बेच करके उसको 30% के लॉस हो रहा है, इसका मतलब वो 70% में बेच रहा है जो भी उसका कॉस्ट प्राइस होगा। तो सपोज कर लेते हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, ये जो कॉस्ट प्राइस इसका सपोज कर लेते हैं, वो क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो रूल के अनुसार यहाँ पे क्या है, वो 70% में ही बेच पा रहा है, क्योंकि ये 30% का लॉस ले रहा है। तो ये कितना रुपये में बेच रहा है, 56 रुपीज़ में बेच रहा है। तो हम लोग यहाँ से ये निकाल लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो ये मेरा यहाँ से क्या होगा, 56 आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा, 70 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से 0,0 कैंसिल हुआ, और 7 के टेबल में क्या होता है, 8 टाइम्स में 56 पूरा आता है, यानी कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, 80 रुपीज़। तो जब 80 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस आ रहा है, तो हमको 20% का प्रॉफिट प्राप्त करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगेन सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना लेना चाह रहा है, 20% का, तो इसका मतलब 120 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या निकालेंगे, 100 निकालेंगे। ये जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हुआ, तो ये क्या हुआ, 12,896 के इक्वल आ गया। तो व्हाट इज द प्रॉफिट, 96, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, 96, ठीक है। तो यहाँ 96 आपका ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए एवरेज पूछा जा रहा है, 6 रुपीज़, 3 रुपीज़, 100 पैसे और 30 पैसे का एवरेज पूछा जा रहा है। तो काम करते हैं, हम सबका एवरेज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, ठीक है। तो एवरेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, 6 रुपीज़ यानी कि 600 पैसे हो गया, साथ में क्या, 3 रुपीज़ मतलब 300 पैसे हो गया, 30 पैसे है तो 30 पैसे लिख लेते हैं, और साथ में एक क्या है, 10 पैसे है, सबको हम लोग ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 4 है, यानी कि आपका आ जाएगा 940 अपॉन क्या करेंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। तो इसका एवरेज आ जाएगा 235 के इक्वल आएगा, कैंसिल होके। तो इसका मतलब पॉइंट में अगर हम लोग, यानी कि इसको अगर रुपीज़ में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, 235 पैसे, तो रुपीज़ में कितना होगा, 2 रुपीज़ एंड 35 पैसे। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। 235 पैसा मतलब क्या हुआ, 2 रुपया 35 पैसा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसको सिंप्लीफाई करके आपको एक्सपोनेंट पावर का प्रॉब्लम है, सॉल्व करके बताना है ऑप्शन क्या होगा। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 729 अपॉन 1331 पावर -2/3 है, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो ये पावर माइनस है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पावर को प्लस कर लेते हैं, क्या करेंगे, 1331 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, 729 कर लेते हैं, ठीक है। और उसका होल पावर जो है वो क्या है जी, आपको 2/3 दिख रहा है, क्योंकि पावर प्लस करना चाहें तो बेस को हमको चेंज करना पड़ा।
ये 1331 जो है और 729 दोनों ही परफेक्ट क्यूब है, ये तो 11 का क्यूब होता है और ये क्या होता है 9 का क्यूब होता है, इसका हम होल क्यूब कर देते हैं ठीक है। और साथ में इसका प्रोडक्ट में जो है क्या पावर क्या है 2/3 है, क्योंकि पावर क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 11/9 बच जाएगा ठीक है। और उसका होल पावर क्या होगा 2 होगा, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 हो जाता है और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 हो जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है ठीक है, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2650, 2650 का फैक्टर कौन सा नहीं है, तो इसका चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ठीक है। तो ये मेरे पास जो नंबर है 2640, तो इसका कौन कौन फैक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको जज करने के लिए देखते हैं। ये देखेंगे एक इवन नंबर है तो इसका सबसे छोटा जो फैक्टर होगा वो 2 होगा, तो 1320 के आपका सबसे पहला फैक्टर आएगा ठीक है। उसके बाद क्या होगा तो 130 तो इसका फैक्टर दिख रहा है, देखिए सेकेंड ऑप्शन कौन फैक्टर नहीं है ये चेक करना है ठीक है। तो ये फिर से 2 से डिविजुअल है तो ये आपका आ जाएगा 2612 यानी कि 660, यानी कि 660 भी इसका फैक्टर है। 2 से फिर ये डिवाइड हो सकता है, ये आपका आ जाएगा 330 आ जाएगा ठीक है। तो 330 भी इसका फैक्टर है, तो ये 2 से फिर डिविजुअल है तो 115 हो जा रहा है ठीक है, तो ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा ठीक है। अब उसके बाद क्या है ये डायरेक्ट क्या आएगा, ये किससे फैक्टर हो सकता है, अब यहाँ के बाद क्या आ गया 330 आ गया, 2 1 2 2, ये मिस्टेक हुआ है देखिए, ये आपको यहाँ से 2 6 12 और 2 5 जाए, ये मेरा कहाँ से आएगा, ये 5 से डिविजुअल हो सकता था, 5 3 15 होगा, 5 3 15 होगा। और अगर बात करते हैं तो हम लोग यहाँ से क्या होगा, ये 3 से भी डिविजुअल है, 11 टाइम्स में होगा, यानी कि इसका कौन कौन फैक्टर नहीं होगा, तो ये सारे नंबर जो यहाँ पर आए हुए सारे तो फैक्टर है ही, साथ में क्या है 11 5 55 तो फैक्टर हो ही सकता है कि वो प्रोडक्ट में है, 15 हो सकता है, 1320 हो ही सकता है, इसका फैक्टर क्या नहीं हो सकता है कभी नहीं, इसका 1420 इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी हालत में इस सबको किसी भी तरह से अरेंज करते हैं कहीं भी और भी हमको क्या है 1420 नहीं दिखेगा, तो ये फैक्टर नहीं होगा ठीक है। तो आप आसानी से फैक्टर है कि नहीं इसको जज करने के लिए आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा ले सकते हैं। लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया, कैनोनिकल फॉर्म दैट मींस प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से आ गया ठीक है। तो 280 को प्राइम फैक्टराइज करके लिखना है, तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया आपके लिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 140 times इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ये 70 times में प्राइम फैक्टराइज होगा, ये 2 times में होगा, 30 times 5 times में हो जाएगा, ये डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 7 आ गया, क्या होगा 2 का पावर 3 एंड 5 का पावर 7, क्या आंसर आ जा रहा है मेरा 2 to the power 3 एंड 5 and 7 ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर है, तो ऑप्शन नंबर क्या है 14 का देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है एलसीएम ऑफ 5 7 10/9। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना चाहते हैं तो उसका न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं बट डिनोमेटर का एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो तीनों नंबर का वो दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 14 में, तो न्यूमरेटर क्या है आपका 5 है जी, 10 है ठीक है, उसके बाद 15 है ठीक है, ये तीन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, और ये तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा न्यूमरेटर का, तो आप देखिएगा यहाँ पे न्यूमरेटर का जो एलसीएम हो रहा है वो 30 के इक्वल आ रहा है ठीक है, 5 10 15 का एलसीएम क्या आएगा 30 के इक्वल आएगा, और जो इसका डिनोमेटर है डिनोमेटर में आपको दिख रहा होगा 7 9 11, और इसका जो एचसीएफ निकालते हैं क्योंकि हम लोग जब फ्रैक्शन का निकालना चाहते हैं एलसीएम तो वैसे केस में न्यूमरेटर का एलसीएम बट डिनोमेटर का एचसीएफ चाहिए, ये तीनों का कॉमन फैक्टर क्या आएगा 7 9 का, 7 9 11 का 1 ही हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा आपको जो मिलेगा ये एलसीएम का, एलसीएम जो है ये तीनों फ्रैक्शन का, ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है ये तीनों फ्रैक्शन का जो एलसीएम निकालेंगे तो इसका फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग न्यूमरेटर का एलसीएम बाय डिनोमेटर का एचसीएफ, तो एलसीएम तो 30 है/1 यानी 30/1 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है 30 मैच कर जा रहा है ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है देखें, सबसे पहले आपको ऑप्शन चारों ऑप्शन दे दिया गया है और इसमें बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर, दो अलग अलग नंबर का रेशियो 9:7 है और उसका एचसीएफ कितना दिया है 8 दे दिया है, रेशियो दिया है तो दो अलग अलग नंबर का रेशियो दिया हुआ है
बट उसका एचसीएफ क्या है, 8 दे दिया है, इसका मतलब 8 ये दोनों का ही कॉमन फैक्टर होगा, तो 9 8 जा कर देते हैं डायरेक्ट 72 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 9 7 8 जा 56, तो ये अगर ऑप्शन मिल जाता है बेटर है, तो मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है 4 मैच कर रहा है, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4 मेरा आंसर शो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो बिटवीन द लार्जेस्ट एंगल एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, स्मॉलेस्ट एंगल और लार्जेस्ट एंगल के ट्रायंगल के बीच में रेशियो दिया है, उसमें से एक सेकेंड लार्जेस्ट एंगल है वो 30 डिग्री दिया है। देखिए इसका हम क्या करते हैं, एक ज्योमेट्रिकली फिगर को भी ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमको समझाने में क्या है इजी पड़े। जैसे कि मान लिया आपको एक ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है, इसमें से क्या है कोई तीन एंगल में से एक एंगल दिया हुआ है जो कि क्या है आपका 33 के इक्वल है। सपोज हम कर लेते हैं ये 33 दे दिया, ठीक है, और बाकी बात जो ये दोनों एंगल में से उसका रेशियो दे दिया है, एक को हम लोग 2x सपोज कर सकते हैं और एक को x सपोज कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो क्या है 2:1 के इक्वल है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर हम लोग तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 2x प्लस क्या करेंगे x प्लस 33 डिग्री ऐड करते हैं, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको फाइनली, तो ये 3x आ जाएगा, और 33 जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 180 माइनस क्या होगा 33 होगा, तो ये जो डिफरेंस यहाँ से मिलेगा वो 3x इक्वल टू ये आ जाएगा, यहाँ से क्या 7, यहाँ से 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा 147, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 3 4 12 39 यानी 49 डिग्री आएगा। अब इसका हमको सबसे लार्जेस्ट एंगल बोला जा रहा है, तो इसका मतलब एंगल ए का बात कर रहा है, तो एंगल ए क्या होगा 2 × 49 यानी कि 98 डिग्री होगा। ठीक है, तो 98 का अब पूछा जा रहा है उसका 50% कितना होगा, 50% पूछा जा रहा है, तो 98 का 50% क्या होगा 49, यही बात किया जा रहा है एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आपको चारों ऑप्शन दिख रहा है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट हो जाए 8000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 3 इयर्स। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, 3 इयर्स के लिए हमको निकालनी है। तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि मूलधन आपको दे दिया है 8000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 6% पर एनम, और टाइम दिया है फॉर 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये 0 0 मेरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बच जाएगा क्या चीज़ यहाँ से 80 और 6 3 जाए 18 हो जाएगा, तो 18 8 जा 144 आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपका 1440 के इक्वल आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट ही ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, तो अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है। 18 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया जा रहा है, पंकज ने एक मोटरसाइकिल जो है 12000 रुपया डाउन पेमेंट देके खरीदा है, और जो शेष बचा हुआ धनराशि है उसके लिए 3 अलग अलग किस्त में क्या करता है, पूरा कर देता है 3 साल में, लेकिन उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी साथ में पे किया है, ओवरऑल क्या कर रहा है वो 23000 के क्या कर रहा है वो पे कर दे रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट, ताकि उसका क्या है मोटरसाइकिल का जो भी बकाया राशि था वो फुलफिल हो जाए। तो ऐसे केस में पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या है, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल का क्या प्राइस था वो आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो मोटरसाइकिल का क्या प्राइस था वो वहाँ से कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले ये रख लेते हैं, ये जो है मान लेते हैं जो शेष अमाउंट था, ठीक है, यानी कि क्या था रिमेनिंग शेष अमाउंट जो यहाँ पर था, शेष अमाउंट जो है वो क्या है 23000 वो तो पे कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए मेरे पास क्या है, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इसके लिए क्या है सिंपल इंटरेस्ट दे रहा होगा, तो लेट पी कर लेते हैं ना, प्रिंसिपल को हम यहाँ एक्स सपोज कर लेते हैं, तो ऐसे केस में सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना मिल जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है, तो इसके हेल्प से हम यहाँ पे प्रिंसिपल को निकाल लेते हैं, के हेल्प से क्या है एस आई निकाल लेंगे, तो जब एस आई को निकालेंगे तो एस आई के बदले मेरे पास क्या है पी, पी हम कितना सपोज किए हुए हैं एक्स सपोज किए हुए हैं। ठीक है, आर मेरे पास क्या है 5% पर एनम था, और टाइम दिया हुआ है मेरे पास क्या है 3 इयर्स दिया हुआ था, और ये यहाँ पे क्या है बाय 1000 कर दिए। ठीक है, और साथ में वो क्या करेगा जो प्रिंसिपल था जो बचा हुआ है बकाया राशि था वो पे करेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ से क्या होगा 23000 के क्या होगा इक्वल मिल जाना चाहिए। ठीक है,
हम यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये मेरा यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये बच जाएगा क्या 115x बनेगा और डिवाइडेड बाय क्या होगा 100 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ 53 जब 15x करेंगे के और ये 100 ले जाएगा 100x, तो 115x आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 223,000 के इक्वल मिलेगा, क्योंकि ये 23,000 इतना तो इसका मान ले बचा हुआ पैसा था, ठीक है, और इतना क्या कर रहा है वो इंटरेस्ट के रूप में पे कर रहा है, तो दोनों को मिला करके क्या कर रहा है 23,000 वो पे कर रहा है। तो वैसे केस में हम यहाँ पर इसका निकालना चाहेंगे तो बचा हुआ है पैसा कितना होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा भाषा से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्स का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 23,000 है मेरे पास और ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, फिर मेरे पास क्या है 115 है। 23 के टेबल में ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो सकता है, ये 23 के टेबल में ये हो जाएगा 100,000 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है, ये 5 के टेबल में 20 टाइम्स में कैंसिल हो रहा था, ठीक है। तो जब हम इसको क्या करेंगे आंसर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो ये मेरा यहाँ से आंसर क्या दे देगा 20,000 रुपीस दे देगा, ठीक है। लेकिन ये 20,000 रुपीस तो ये क्या है बकाया हुआ राशि वो पे किया है जिसके लिए वो 23,000 पे किया, तो शुरू में वो क्या कर रहा किया था 12,000 रुपीस क्या किया था डाउन पेमेंट भी दिया हुआ था। तो जब डाउन पेमेंट वो 12,000 रुपीस दिया था जिसमें से 12 को हम बढ़ा देंगे तब ना वो मोटरसाइकिल का प्राइस आएगा, तो 12,000 को बढ़ा देंगे तो ये ओवरऑल क्या दे देगा 32,000 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमको ऑप्शन नंबर कौन सा 32,000 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो 19 में क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप यहाँ स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया गया है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन भी आपको यहाँ दिया गया है साथ में क्वेश्चन भी दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यानी कि आपको इसको सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू निकालना है। तीन अलग अलग फ्रैक्शन है जो कि प्लस में है और एक माइनस में है। तो मेरे पास जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है सबसे पहले देखें, ये फ्रैक्शन है 2/3, ठीक है, प्लस क्या है 7/4 है, फिर क्या है 5/6 है और यहाँ से क्या है -3/8 है। तो ये मेरा क्या है बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, हम एलसीएम इसका ले लेंगे ये 24 के इक्वल आ जाएगा एलसीएम, यहाँ से आ जाएगा 8 2 16 आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरा आ जाएगा 42 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, और साथ में ये आ जाएगा मेरा यहाँ से 20 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -3 3 9 हो जाएगा, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 8 बच रहा है, ये 7 बच रहा है और माइनस क्या है 9 है, डिवाइडेड बाय क्या है 23 है। तो ये हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये 69 अपॉन क्या है 24, इसको चाहेंगे तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला भी सकते हैं बट हमको ऑप्शन में ही यहाँ 24/69 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन को कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया गया। मेरा आंसर क्या है 69/24, तो 69/24 जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा, ओके। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेट का 20 क्वेश्चन जो है, द रेडियस ऑफ अ व्हील है, एक व्हील है उसका रेडियस दे दिया गया है आपको 0.42 मीटर। तो जैसे कि हम व्हील ले लेते हैं तो इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो दे दिया गया है, ठीक है। तो रेडियस आपको यहाँ से दिया हुआ है 0.42 मीटर दिया हुआ है, तो हम इसका क्या करते हैं सरकमफ्रेंस, क्योंकि एक बार जो चक्का घूमेगा कितना दूरी तय कर लेगी जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा, तो हम इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। और सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हम लोग जान रहे हैं फॉर्मूला 2πr के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे 2πr यूज कर लेंगे, ठीक है, ये पाए है और यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं 2π के बदले यूज कर सकते हैं 22/7 एंड रेडियस आपको दे दिया गया था 0.42 है, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर करते हैं तो ये मेरा आ जा रहा है 2 × 22/7, ये पॉइंट को अगर रिमूव कर देते हैं तो 42/100 आ जाएगा, बट ये 7 के टाइम्स में क्या है डिविजुअल है 6 टाइम्स में, ओके 7 6 42। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 22 कर देते हैं क्योंकि 6 2 12 हो गया बाय 100 है, ये कुछ पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा 12 2 44 12 2 24 और साथ में 12 2 24 2 26 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय मेरा क्या था 100 था, यानी कि 1 रिवोल्यूशन में वो क्या डिस्टेंस तय कर रहा है 2.64 के इक्वल कर ले रहा है, ठीक है। तो इतना मीटर है एक चक्कर में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको कितना टोटल रोटेशन चेक करना है 750 रोटेशन तय करना है 1 मिनट में। तो इसका मतलब हम लोग निकाल लेते हैं डिस्टेंस निकालेंगे 1 मिनट के लिए, ठीक है, क्या दूरी वो तय कर लेगी तो 750 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है,
किसको, वन रिवोल्यूशन का जो डिस्टेंस है 2.64, और हम यहाँ से क्या करेंगे इसको, अगर हम 1 सेकेंड का निकालना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ताकि मेरा स्पीड जो है वो आ जाए मीटर पर सेकेंड में आ जाए, क्योंकि ये 1 मिनट के लिए आता है, 750 × 264 1 मिनट के लिए, तो हमको 1 सेकेंड के चाहिए, इसलिए हम क्या किए 60 से इसको डिवाइड कर दिए। लेकिन हमको स्पीड जो आएगा ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, चाहिए हमको स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और ये पॉइंट को जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा 750 है, ठीक है, साथ में ये पॉइंट को रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 264 आ जाएगा, और ये इधर से आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है, और ये 5 तो है ही मेरे पास, पॉइंट को रिमूव किए थे 100 आया था, ठीक है, और साथ में यहाँ मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ था 18 दिया हुआ था। हम बड़ा ही आसानी से इसको कैंसिल करके बना सकते हैं, ये 0 है, ये 0 है, कैंसिल हो जाएगा। 6 के टेबल में ये क्या होगा 3 टाइम्स में पूरा पूरा डिविजुअल है, ठीक है। साथ में और आगे बढ़ते हैं तो ये मेरा क्या होता है 15 टाइम्स में क्या होता है 15×5=75 होता है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। थोड़ा सा और डेटा को कैंसिल करना चाहते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4 से 25 टाइम्स में कैंसिल हो रहा था, ये 4 से कैंसिल करना चाहेंगे तो 4×6=24 and 4×6=24, तो मेरा बच रहा है जो डेटा अभी भी, यहाँ से कुछ डेटा और कैंसिल हो रहा था, 5×5=25 हो रहा है, और लास्ट में जाके क्या हो रहा है 5×3=15 हो रहा है, तो ये भी 15 कैंसिल हो गया, तो लास्ट में मेरा बच रहा है न्यूमरेटर में 3×66 बच रहा है, ठीक है, और इंटू क्या बच रहा है 3 बच रहा है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है 5 है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके यहाँ से 3×3=9 है, 9×6 जा क्या हो जाएगा यहाँ से 3×3=9 बचा हुआ है, यहाँ से 3 बचा हुआ है, और हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा 9×3=9×6=54 हो जाएगा, 5 बचा, फिर 9×6=54 और 5 यानी कि 59 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है 5 है। हम इसको अगर कैलकुलेट करके निकालते हैं तो डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 5×5=5, ठीक है, ओके, और इधर मेरा जो आ जाएगा 4×44, तो 5×8=40 हो गया, फिर पॉइंट यूज़ करेंगे फिर 5×8 क्या होगा 40 हो जाएगा, यानी कि ये मेरा पूरा पूरा यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर बच रहा है 118.8 किलोमीटर पर आवर आ जा रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये सेट का सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको बता चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।